नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे मूर्ति पॉलिटिक्स की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी देश ही नहीं पूरी दुनिया को समर्पित की और गुजरात में नर्मदा केवड़िया में सरदार सरोवर डैम के तट पर बनी ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने लंबा भाषण दिया, करीब 55 मिनट का। उन्होंने अपने भाषण के दौरान सरदार पटेल की उपलब्धियों का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने पटेल की प्रतिमा को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि आज जो भी हुआ इतिहास में दर्ज हो गया और इसे इतिहास से कोई मिटा नहीं पाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल महान थे, इसमें शक सुबह जैसी कोई गुंजाइश है ही नहीं और जो काम देश की अखंडता के लिए उन्होंने किया इसका तो कोई मोल ही नहीं, वन मोल है। लेकिन उनकी मूर्ति पर जिस तरह की सियासत हो रही है उससे सरदार के चाहने वाले स्तब्ध हैं। सवाल उठता है कि आखिर जिस शख्स ने 1500 से ज्यादा रियासतों में बटे, टुकड़ों में बटे एक देश को धागे में पिरो करके एक सुंदर माला के रूप में तैयार किया, इस व्यवस्था का हिस्सा बनाया, उस मूर्ति पर सियासत आखिर क्यों? जिस शख्स के दूरदर्शी फैसले की बदौलत आज जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा है, क्या उनके नाम पर जो सियासत हो रही है कितनी जायज है? बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से। एक पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में मौजूद होगा जयपुर स्टूडियो से। और वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। ये वो पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है। धरती सा है बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है। दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी। दुनिया में भारत के भविष्य के प्रति घोर निराशा थी और निराशावादी उस जमाने में भी थे। निराशावादियों को लगता था कि भारत अपनी विविधताओं की वजह से ही बिखर जाएगा। हालांकि निराशा के उस दौर में भी सभी को उम्मीद की एक किरण दिखती थी और ये उम्मीद की किरण थी सरदार वल्लभ भाई। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर, किस तरह तंज बीजेपी पर कसा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी ये प्रतिमा का उद्घाटन कर रहे हैं, शुभकामनाएं। सरदार पटेल के मूल्य सिद्धांत और संदेश को अपनाएं, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये सलाह मेरी प्रधानमंत्री और बीजेपी को है। सरदार पटेल आज़ादी के एक बड़े सिपा सलार थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे और कांग्रेस के एक महानतम नेताओं में से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इसलिए उनकी सोच और उनकी मूल्य जो हैं वो समावेशी भारत की थी। केवल प्रतिमा से बड़ी बात उन्होंने जो कहा वो जो उनका आचरण था उसको याद करें और उस पर
और बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। ये कुछ इससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मनमोहक, आकर्षक और ये बेहद ऐतिहासिक क्षण रहा आज जब सुबह इस मूर्ति का अनावरण किया गया। ये मूर्ति दरअसल एक प्रतीकात्मक तौर पर है, जबकि इसकी बुलंदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश के लिए दिए गए बलिदान जो हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा ऊंचे, कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा बुलंद रहे। और अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की खींचतान, जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर भी बातचीत हम करेंगे अपने मेहमानों से और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये तीन कैमरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आज के कार्यक्रम की। जो पहला कैमरा तस्वीर दिखा रहा है आपको, ये दरअसल उस औपचारिक शुरुआत, उस शिलापट्ट का ये शुरुआत में जब अनावरण किया गया। ये दरअसल एक म्यूजियम है जो कि प्रतिमा के बेसमेंट में बना हुआ है। इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के बेसमेंट में बना ये म्यूजियम जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को पूरी तरह से दर्शाता हुआ, देश में घटित ऐतिहासिक घटनाओं को तस्वीरों और कुछ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया, प्रतिमाओं के माध्यम से। कैमरा दो आप देखें तो ये जो फ्लावर वैली वहां पर बनाई गई है उसकी कुछ तस्वीरें आप देखें प्रधानमंत्री अवलोकन करते हुए। और तीसरी तस्वीर ये कुछ जो एनिमेशन के माध्यम से तस्वीर बनाई गई है उसमें और कुछ मंच पर हो रहे कार्यक्रम की समावेशित तस्वीरें एक साथ। और इसके साथ ही आज जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम को लेकर, चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 143वीं जयंती थी और 8 शहरों से राजस्थान के हम आपको रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाएं। अब चर्चा की ओर बढ़ेंगे आगे और चर्चा शुरू करें, इससे पहले कुछ अहम सवाल कि क्या सरदार पटेल की मूर्ति पर जो विवाद हो रहा है ये उचित है और आखिर विवाद क्यों? एक सवाल, महापुरुषों के नाम पर आखिर सियासत क्यों और क्या सरदार की विरासत पर ये राजनीति हो रही है? जहां कांग्रेस इसे, कांग्रेस के आनंद शर्मा का भी आपने बयान सुना, आनंद शर्मा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत कर्मठ विचारू नेता थे, महात्मा गांधी के बहुत नजदीक थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे इसलिए वो महान है। अब ये इनके कहने का क्या मतलब रहा होगा? आनंद शर्मा ये किस लिहाज से उनकी सोच क्या कहती है ये दर्शाता है। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने खास मेहमानों का एक छोटा सा परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं बीजेपी से, लक्ष्मीकांत जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ गिरिराज शर्मा जी हैं कांग्रेस से, गिरिराज शर्मा जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय माधव हमारे साथ सीपीआईएम से, माकपा से बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रताप राव जी भी मौजूद हैं। प्रताप जी बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया मैं तीनों ही मेहमानों से ले लूं, उसके बाद एक छोटा सा विश्लेषण और चर्चा और डिटेल से फिर आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर संजय माधव आपसे शुरुआत करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक विश्व का अपने आप में एक अनूठा एक प्रतिमा का अनावरण आज हुआ, सब कुछ देखते हुए क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल निश्चित रूप से हमारे देश के एक महान नेता रहे हैं, देश के स्वाधीनता संग्राम में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, देश के पहले गृहमंत्री रहे। उनकी मूर्ति लगे इसमें कोई ऐतराज वाली या कोई इस पर कोई कंट्राडिक्शन वाली बात मेरे ख्याल से है नहीं। बहुत देश में बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं और भी महान लोगों की मूर्तियां लगे। वास्तविकता यह है कि इस मूर्ति को लेकर जिस प्रकार से खुद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र के नेता थे, देश के बहुत बड़े उनका कद था, अगर उस प्रोग्राम में सभी को बुलाते सर्व समाज तो इस तरह का कोई विवाद होता नहीं। जिस प्रकार से उनकी विरासत को कैप्चर करने की राय थी जो प्रयास कर रही है, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर संजय कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है विचारों को उनकी राजनीतिक विरासत को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। तभी 40 साल लग गए उन्हें भारत रत्न के योग्य समझने में, या पता नहीं सोच उनकी यहाँ के शासकों की किस तरह की थी, मैं इस बारे में और अच्छे से समझने की प्रयास करूंगा प्रताप जी से भी। लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपसे, बीजेपी के नेता का प्रयास 10 साल पहले 2008 गुजरात चुनाव के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। आज नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया कि 10 साल पहले निकाय चुनाव के दौरान मैंने इसका बीज किया और उसको आज मूर्त रूप दिया गया, लेकिन ये देश की जनता को, कारीगरों को, सभी को समर्पित किया। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये एक राजनीतिक विरासत को कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है, छोटी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए सरदार पटेल साहब की जो मूर्ति आज लगी 182 मीटर की, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। ये मूर्ति केवल सरकारी पैसे से लगी हुई मूर्ति नहीं है, इस मूर्ति के लिए देश के गरीब मजदूर किसान ने अपने औजार गुजरात की सरकार को सौंपे हैं और वो पिघल पिघल कर इस मूर्ति के रूप में ढले हैं। उसके प्रति जो देश के आम आदमी की श्रद्धा सरदार पटेल के प्रति है, उसको परिलक्षित करती हुई ये मूर्ति है। दूसरी बात, बिल्कुल नहीं, इसमें सारे भारतीय कारीगर हैं, इसके डिजाइनर भारतीय हैं, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारतीय है, इसको तैयार करने वाले लोग भारतीय हैं, ये केवल अफवाह, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो संजय माधव जी ने कहा कि विरासत हड़पने की कोशिश है, सर आपको किसने रोका था? सरदार पटेल इस देश के महान नेता है, महान नेता थे पहले भी, आज भी महान नेता है, उनके विरासत को आप भी अपनाइए। किसने आपको रोका है? सरदार पटेल ने इस देश की 550 से ज्यादा रियासतों को एक किया। आप इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, आपकी और सरदार पटेल की सोच मिल ही नहीं सकती, इसलिए आप सरदार पटेल को विरासत के रूप में अपना ही नहीं सकते। जिनकी सोच सरदार पटेल से मिलती है वो सरदार पटेल की विरासत को अपनाएंगे। स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश में सारे महापुरुष, हर उस व्यक्ति की श्रद्धा के केंद्र जो इस देश में रहता है, जिसको जैसा लगता है, अगर सरदार पटेल से उसकी विचारधारा मिलती है, उसके सामने श्रद्धा से शीश झुकाए। आपने आज तक झुकाया नहीं, इसलिए हमको झुकाना पड़ा। ठीक है, ये सोच तो सावरकर से भी मिलती थी, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। संजय साहब आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले ली जाए। गिरिराज शर्मा जी, काफी समय लगा दिया और बहुत दरकिनार कांग्रेस में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया गया, बहुत नेहरू के समकक्ष वो थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इतनी तवज्जो नहीं दी गई, ऐसा आरोप बहुत समय से लगता आ रहा है और आज भी लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, ये मेरी बात नहीं है, ये आलोचकों की बात है जो आपके विरोधी हैं जी, आगे नहीं किया है या उनको भुलाने का प्रयास किया है। उनको भुलाने का प्रयास किया है, जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि उनको भुलाने का प्रयास किया गया, तो मैं आपको ये बता दूं, अगर सरदार पटेल जी को भुलाने का प्रयास किया होता तो सरदार पटेल जी की मृत्यु 1950 में हो गई थी, 2018 तक भी भारतीय जनता पार्टी कैसे सरदार पटेल को याद करके उनकी मूर्ति बनाने का प्रयास कर रही है? अगर कांग्रेस ने उनको भुलाने का प्रयास किया था तो इस बात का जवाब दे। कांग्रेस इस देश के अंदर जितने महापुरुष हुए हैं, जिन्हों का इस राजनीति में हिंदुस्तान को आजाद कराने के अंदर योगदान रहा है, आज वो सारे महापुरुष कांग्रेस के दिल में बसते हैं, कांग्रेस के रक्त रक्त में बसते तभी, हैं। तभी 40 साल लगा दिया आपने भारत रत्न देने में, भारत रत्न के योग्य यहाँ सरदार वल्लभ भाई को पटेल समझा जाए, उसके लिए उनकी मृत्यु के बाद भी 40 साल लग गए। कांग्रेस ने सत्ता में आने के 40 साल राज कर लिए, तब जाके कांग्रेस को होश आया कि चलो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न दे दिया जाए। बता देता हूँ जी, बताइए। मैं आपको नहीं, आशीष जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस प्रकार से आज आपने ये कहा कि सरदार पटेल की मूर्ति पर विवाद हो रहा है, तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कांग्रेस के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि सरदार पटेल की मूर्ति नहीं लगाई जाए। नहीं, विवाद नहीं है, सियासत है, ऐसा कि नहीं लगाई जाए। अपना शब्दकोश शर्मा जी थोड़ा ठीक कीजिए कि विवाद और सियासत में हुआ है, सियासत हो रही है, उसको लेकर विवाद हो रहा है। कांग्रेस देखिए जनता, नहीं नहीं नहीं, आशीष जी, आशीष गिरिराज जी, आप बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो आशीष कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, निश्चित तौर पे आप ही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये तो सारी की सारी जो सरदार पटेल है ये हमारी विरासत है। नहीं नहीं, विरासत आप, नहीं, आप, 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 हमने विरासत नहीं कहा है। आशीष, मुझे कांग्रेस का ये कहना है कि इस देश के जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया है, ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस की याद रखते हैं, ऐसा हुआ नहीं गिरिराज जी, ऐसा हुआ नहीं। जितनी भी योजनाएं, जितनी भी, क्यों गांधी नेहरू परिवार तक सिमट गई, ये एक बड़ा सवाल है इस देश के लोगों का। कहां गए वो लोग, लाखों लोगों ने दी कुर्बानी इस देश की आजादी के लिए, क्यों गुम हो गए, क्यों गुमनाम हो गए, क्यों खत्म हो गए, क्यों नहीं जानता उनको? कोई इंदिरा गांधी नहर है, कोई नेहरू उद्यान है, कोई नेहरू संग्रहालय है, सरदार पटेल के नाम कहीं नहीं है, कहीं सरदार पटेल के नाम की कोई जगह नहीं है। ऐसा केवल सरदार पटेल नहीं, तमाम ऐसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, न जाने कितने अनाम शहीद हो गए जिनकी याद भी कभी किसी सरकार को नहीं आई, ये एक बड़ी बात है आशीष। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं जो इसकी इंपॉर्टेंस कहता हूं, देखिए जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी, क्योंकि उस काल में वो बहुत बड़ी आजादी की एक वाशिंगटन के नेतृत्व में थी और फ्रांस ने उस मूर्ति को स्थापित किया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखिए वो
माना जाता है कि अमेरिका की आजादी जो है एक बड़ी आजादी थी, जिसने एक दुनिया को एक नया द्वार, एक नई दुनिया दी थी उस आजादी के साथ। लेकिन उससे भी बड़ी बात भारत की आजादी और भारत की जो संगठित करने की बात थी, क्योंकि जब अंग्रेज यहां से गए, अंग्रेज कोई भारत को एक देश के रूप में नहीं छोड़ के गए, अंग्रेज छोड़ के गए 550 550 रियासतों, यानी 550 देश में टुकड़े टुकड़े करके चले गए थे वो, सबको अपनी अपनी इंडिपेंडेंस दे गए थे वो लोग। उनकी ये नियत थी कि इस देश को पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाए। हाँ। तब सरदार जैसा आदमी जो बड़ी निर्भीकता के साथ, कड़क आवाज के साथ, दमदारी के साथ, लोक पुरुष के रूप में लीडरशिप के साथ खड़ा हुआ और उसने इन सब रियासतों को एक किया। देखिए हम जानते हैं आज भी राजा महाराजा क्या अपने अधिकारी इस आसानी से छोड़ने वाले थे, लेकिन वो तो सरदार की योग्यता थी, सरदार की क्षमता थी, उनका राष्ट्रभक्ति थी, उनकी देश को संगठित करने की उनकी नियत थी, जिसके कारण ये हुआ। इससे देखिए अमेरिका की आजादी से भी बड़ी जो बात है जो इस दुनिया में है, वो सरदार को इस देश को एक करने की जो बात है वो इसलिए। और इसलिए ये जो मूर्ति आज जो इतनी ऊंचाई को ले रही है, निश्चित तौर पे ये हम केवल ये नहीं बता रहे कि सरदार की इतनी ऊंची मूर्ति को ऊंचा करके हमने दुनिया को एक अजूबा दिया है। देखिए मैं बता रहा हूं कि हमने उस इशू को भी बता दिया है, भारत को संगठित करना अमेरिका की आजादी से भी बड़ा काम था इस दुनिया, क्योंकि आज हम देखते हैं भारत किस तरह से महाशक्ति बन रहा है, दुनिया को दिशा देने वाला एक देश बन रहा है, तो उसकी जो आधार और उसकी जो भूमिका है वो सरदार पटेल ने 1947 में 48 में लिखी, तब जाके ये देश आज इस राह पर चल पाया। इसलिए ये मूर्ति इतनी ऊंची हुई है, मूर्ति इतनी भव्य हुई है, ये एक सीधा सीधा दुनिया को संदेश है। मेरा मानना है कि ये सरदार पटेल के लिए एक सही एक उनको एक सही जगह देने की जो है स्थिति बनी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये देखिए आशीष जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं आप ही के पास आ रहा था, आप अपनी प्रतिक्रिया दें उसके बाद मेरा प्रश्न रहेगा, बताएं। देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने देश के महापुरुषों को सम्मान दिया। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ साहब, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है और सामान्य फ्रीडम फाइटर भी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, पट्टाभी सीतारामैया, इनके परिवार कहाँ है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं या बता पाएंगे? उनके बेटे बेटी का नाम नहीं बता सकते उनका? अरे बुला दिया आप उनके बेटे, आप उनका नाम नहीं ले रहे? अरे आप तो उनके पुत्र का नाम बता दीजिए आप। अरे भैया और सुनो प्रवक्ता जी, आप ये बताइए सरदार पटेल का बेटे का नाम क्या है? आप ये बताइए बाल गंगाधर तिलक के बेटे का क्या नाम है? आप ये बताइए लाला लाजपत राय के बेटे का नाम क्या है? आप नेहरू के पिता का नाम बता देंगे? नेहरू के पुत्र का नाम बता देंगे? उनकी लक्ष्मी गांधी सुनिए, उनकी पुत्री का नाम बता देंगे? सुनिए बेटे बेटी का नाम पूछने का ये जीके का कार्यक्रम नहीं है, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए लक्ष्मीकांत साहब, सुनिए पहले सुनिए आप लक्ष्मीकांत जी, सुनिए सुनिए ठीक है, ये विषय वो नहीं है जो आप समझ आजादी के दीवानों के चित्र को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में जवाब दूंगा। नहीं पूरे पूरे इस पूरे मामले में ये बेटा बेटी का नाम पूछ करके इससे आप जीके नहीं दुरुस्त होगी, इससे ये सिर्फ एक विवाद उत्पन्न होगा। लेकिन मेरा सवाल छोटा सा आपसे रहेगा लक्ष्मीकांत जी, ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई, सुनिए सुनिए तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। इन्होंने कितने रोजगार दिए? ठीक है मैं आ रहा हूं, गिरिराज साहब आ रहा हूं मैं, सुनिए ये बताएं आपका जवाब दें। सुनिए लक्ष्मीकांत जी, सुनिए लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, सुनिए प्रश्न आपसे, आप इस बात का जवाब दें सरदार पटेल के आप नाम बता सकते हैं क्या आप? ये लक्ष्मीकांत जी ये बार बार इस तरह से क्यों आप इस तरह की ये व्यवस्था खराब कर रहे हैं? आप सुने पहले, आप इस तरह से बात करेंगे तो आपके आपके जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुझे बात करनी पड़ेगी उनसे कि थोड़ा सा थोड़ा सलीका अपने अपने आप अपने प्रतिनिधियों को थोड़ा सलीका सिखाएं थोड़ा सा, ठीक है? नहीं जावड़ेकर जी अब दिल्ली में ही है, मुलाकात हो सकती है हमारी, बातचीत करनी पड़ेगी फिर आपके लिए भी। लक्ष्मीकांत साहब सुनिए मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए कि क्या ये जो मूर्ति बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बात करिए त्रिपाठी साहब मेरे जी, बात करिए आप, मेरे को चिंता नहीं है, मैं वो बात नहीं, आपके संबंध में बात करनी पड़ेगी, आपके संबंध थोड़ी खराब कर रहे हैं आप, सुने पहले मेरा प्रश्न जो है, आपके कहने के अनुसार नहीं बोलूंगा, नहीं नहीं आप सुनिए मेरे कहने के अनुसार मत बोलिए, लेकिन तथ्यात्मक बातों पर रहिए।
दूसरों को थोड़ा मौका दीजिए, एक प्रवक्ता का असली जो मतलब है उसको थोड़ा चरितार्थ कीजिए। मेरे एक तथ्य को जुटला दीजिए आप, छुटभैये नेता की तरह मत, छुटभैये नेता की तरह रिएक्ट मत कीजिए साहब। सुनिए पहले प्रवक्ता के रूप में क्या बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत साहब, सुनिए तो ये बताइए, छुटभैये नेता की तरह उत्साही मत होइए। सुनिए पहले विषय क्या है, आप उसको उसका प्रश्न आप उसका उत्तर आप दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल ये कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को कैप्चर करने के मोदी क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप, सुनिए तो साहब पहले, सुनेंगे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। आप सुनेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। आप सुनिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को कैप्चर करने का जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है, तो ये विरासत कैप्चर करने जैसा ही प्रतीत होता है संभवतः, जिसकी वजह से आरोप लग रहे हैं। क्योंकि आपको अगर आपने मूर्ति बनानी थी तो डॉक्टर हेडगेवार की भी मूर्ति आप बना सकते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना करके जो अच्छी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान देश के लिए है वो पूरी दुनिया में अमूल्य है, वो अमूल्य धरोहर है। लेकिन ये जो प्रयास किया गया इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सुगंध है वो भी नजर आती है। ये आपको लगता है साहब, मुझे नहीं लगता और देश के लोगों को भी नहीं लगता। हाँ। इसलिए नहीं लगता कि देश के प्रत्येक व्यक्ति ने, जो मजदूर खेत में काम करता है, जो किसान खेत में काम करता है, उसने अपना फावड़ा गेती रेताली सब केवल सरदार पटेल की मूर्ति को बनाने के लिए दी है। और जिस व्यक्ति ने इस देश की बिखरी हुई 550 रियासतों को एक किया, उस व्यक्ति के लिए इतना बनता है कि देश की सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था, और भी बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन इस देश की सरकारों ने नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है वो भी अपने इतिहास पुरुषों को इस तरह भुला दे, अपने महापुरुषों को इस तरह भुला दे। इसलिए हमारी सरकार आने के लक्ष्मीकांत जी, सवाल देखिए, सवाल इसलिए भी उठता है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, पंडित मदन मोहन लक्ष्मीकांत साहब सुनिए दिया जी जी, एक एक प्रश्न है छोटा सा कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले भी सरदार साहब थे। अब वो आपकी विचारधारा से कितने प्रभावित थे या आप उनके काम से कितने प्रभावित हैं, कुछ इस पर भी आप प्रकाश डाल सकते हैं? बिल्कुल प्रकाश डाल रहा हूं। आपने अधूरा सेंटेंस किया, संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले भी सरदार पटेल थे और संघ से प्रतिबंध उठाने वाले भी सरदार पटेल थे। हाँ। और संघ की शाखा को देखने जाने वाले भी सरदार पटेल थे। और उसके बाद 1962 के युद्ध के बाद संघ को परेड में, 15 अगस्त की परेड में बुलाने वाले भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसलिए संघ के को उन्होंने प्रतिबंध लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो संघ के खिलाफ थे। हाँ। संघ से प्रतिबंध उठाया भी सरदार पटेल ने। आशीष मेरा एक और कहना है, देखिए हम किन्हीं भी दो महापुरुषों की तुलना नहीं कर सकते जी। अगर सरदार पटेल की मूर्ति बनी है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हेडगेवार का भी कोई बड़ा स्मारक सरकार बनाए, पहली बात तो ये है। मेरा मानना है कि महापुरुषों के अपने अपने योगदान है देश में जी, हर का अपना महत्व है। बात इसी बात की है कि हर महापुरुष के उसके योगदान को हमें स्मरण करते हुए उनको उनका वाजिब हक देना चाहिए। देखिए बात तो इसी बात में है कि 50-60-70 साल में हमने किन्हीं गिने चुने महापुरुषों पर ही अपनों को सीमित क्यों रखा। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि देश में जब आजादी की पूरी जो लड़ाई हुई उसमें कहते हैं 3.5 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी, आखिर में वो 3.5 लाख लोग कहां गए? उसमें आइडियोलॉजी से अलग हटके, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के भी थे, कांग्रेस आइडियोलॉजी के भी थे, हिंदू महासभा के भी थे वो, या और तमाम वो थे, लेकिन उन्होंने अगर देश के लिए योगदान दिया है तो मेरा मानना है कि इस देश की जनता को, इस देश की लोगों को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इतनी सी बात है। और देखिए सरदार पटेल का जो मसला है, देखिए आप उसे, मैंने जैसे कहा कि वो दुनिया में एक अनूठा है उनका, क्योंकि 550 रियासतों को एक करना और उसे एक देश के रूप में पिरो देना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास क्या रहा है, हमारे देश के रजवाड़े लड़ते रहे, उसी के कारण हमारे विदेशी आक्रांता जो आते रहे उन्होंने हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया। हमें गुलाम क्यों बनाया? हमें गुलाम इसलिए बनाया कि हमारे देश के जो रजवाड़े हैं वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। सरदार पटेल थे जिन्होंने ये सारी चीजों को समझा था, उन्होंने इस देश को एक किया था। आज हम सब एक देश के रूप में, एक भारत राष्ट्र के रूप में, तो एक भारत राष्ट्र आज जो खड़ा हुआ है वो सरदार पटेल की ही देन है। और इसलिए सरदार पटेल के योगदान को हम किसी दूसरों से तुलना करके उनके योगदान को कतई भी, क्योंकि मुझे जो लगता है, मेरा जो मानना है कि सरदार पटेल का जो योगदान है शायद देश में दूसरा कोई भी नहीं है। हाँ। ना जवाहरलाल नेहरू है, ना महात्मा गांधी है, ना कोई है जो उन्होंने किया बिल्कुल देश के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने स्तर के लिए एक अलग दूसरा काम किया होगा, लेकिन जो उन्होंने किया वैसा काम उनके बराबरी का करने वाला देश में दूसरा कोई नहीं है। जी बिल्कुल। और चूंकि प्रताप जी यहां सवाल इसलिए भी उठता है कि जो सरदार पटेल की आइडियोलॉजी है या जो उनका विचार है या जिस लिए वो जाने जाते हैं, जिस अमूल्य काम को उन्होंने किया जिसकी कोई तुलना किसी से नहीं है,
उस विषय को यहाँ इस आज के कार्यक्रम में कहीं उसका कोई जरा सा भी उसका अर्थ दिखाई इसलिए नहीं दिया। संजय साहब से इस बारे में प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा और सभी मैं चाहूंगा कि सभी मेहमान इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। और एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ, एकता की बात करने वाले सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ और उन्हीं के कार्यक्रम में सिर्फ एक ही पार्टी के लोग, एक ही पार्टी की सरकार के व्यक्ति, आखिर यहां अनेकता में एकता क्यों दिखाई नहीं दी, सभी राजनीतिक दल के लोग यहां क्यों नहीं पहुंचे, इस पर भी सवाल उठता है। क्या सरदार को इस विचार से क्या सरदार की आत्मा को ठेस नहीं पहुंची होगी कि उनके देश में उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और सिर्फ एक दल के लोग वहां पर मौजूद है। बातचीत करेंगे इस पर भी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से चलते हैं चर्चा में, हमारे साथ लगातार खास पैनल का एक पैनल मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अपने पूरा जीवन, अपना पूरा समय, राजनीतिक समय के बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, जो दुनिया में सबसे बड़ा काम माना जाता है आज के समय में, वो ये कि पूरे देश को संगठित किया। अब ऐसे महापुरुष के जन्मदिवस के अवसर पर जब इतना बड़ा कार्यक्रम देश में हो रहा है तो वहां पर सभी राजनीतिक दल के लोग क्यों नहीं पहुंचे। शुरुआत मैं करना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी से ही, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है, इसलिए ये जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है कि वहां पर सब लोग पहुंचे। लक्ष्मीकांत जी क्या कहना चाहेंगे, आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आइडियोलॉजी को आप इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बाकी राजनीतिक दल कहां थे, क्या अकेला बीजेपी ही एकता का संदेश सुनाएगी पूरी दुनिया में? आशीष जी आपको जानकारी नहीं है कि हमने सब पार्टियों का आमंत्रित किया था, दिखाई नहीं दिया, बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है जी। नहीं, कांग्रेस आज दैनिक भास्कर पढ़िए, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। हमने तो सबको बुलाया, हमने सबको बुलाया था। मैं आ रहा हूँ शर्मा जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, गिरिराज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ, बात ही नहीं करता। ये आज का दैनिक भास्कर है, देख लीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। और इसलिए हम तो इसमें भेदभाव करते नहीं, हमने सरदार पटेल को उनके कद के अनुसार, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार इस देश के लोग जाने। हाँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 550 से ज्यादा रियासतों को एक किया। यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी का कहना यह है कि उन्होंने सबको बुलाया लेकिन सबने इसका बहिष्कार किया या कांग्रेस ने बहिष्कार किया। मैं संजय जी से भी प्रतिक्रिया लेता हूँ। संजय जी, जब न्योता मिला था तो आप लोग क्यों नहीं गए, माकपा की तरफ से या सीपीआईएम की तरफ से लोग क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, ये तो लक्ष्मीकांत जी के पास आया होगा निमंत्रण, हम तो इसके बारे में कोई आमंत्रण की बात नहीं है। वास्तव में आशीष जी, मैं जो बात जिसको अभी रेखांकित करना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ये जो बहस जो हो रही है, वास्तव में बीजेपी का कोई सरदार पटेल की विचारधारा से, सरदार पटेल की मानता से लेना देना नहीं है। वास्तव में वो यही चाहते थे, जिस प्रकार का डिबेट अभी चल रहा है कि सरदार पटेल की मूर्ति लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, सरदार पटेल महान थे, जवाहरलाल नेहरू कम महान थे, ये जिस प्रकार से, ये वास्तव में इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस प्रकार से देश की जनता के मानस को वास्तविक मुद्दों से भटका करके इन मुद्दों में ले जाया जाए। हाँ। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो इन्होंने वादे चुनाव से पहले किए वो तो पूरे किए नहीं, किसान के लिए कुछ किया नहीं, मजदूर के लिए कुछ किया नहीं, नौजवानों को रोजगार 2 करोड़ दिए नहीं, काला धन वापस आया नहीं, 15 लाख खातों में आए नहीं। अब इनके पास में यही तरीके बचे हैं, कभी सरदार पटेल के नाम पर, कभी महात्मा गांधी के नाम, स्वच्छता अभियान के नाम पर, इन्होंने देश की जनता को आम मुद्दों से भटका कर इस बहस में उलझाना है। साथ में प्रताप जी जो बात कह रहे थे, मैं थोड़ा वो जिस प्रकार से जिस तरह सरलीकरण कर रहे हैं ना चीजों का, वो भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आजादी देश की रियासतों को एक करना बहुत बड़ा काम था, निश्चित रूप से हिंदुस्तान के एकीकरण का काम करना बहुत महान काम जो पटेल साहब ने नहीं किया, वो उस समय की सरकार थी और एक टीम ने पूरा किया, इसको इस रूप में अलग अलग बांट करके आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उससे बड़ा काम था देश को आजाद करवाना, उस आजादी की लड़ाई के अंदर लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाकर के देश आजाद हुआ, तब अंग्रेज गए और अंग्रेजों की लड़ाई के अंदर जो बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आजादी की लड़ाई में वल्लभ भाई पटेल थे, इस वजह से उनको ये सारा श्रेय जाता है और इससे कोई नकार नहीं सकता। आप कह रहे हैं देश की आजादी, देश की आजादी एक बहुत ही बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं सामने आती, आपस में लड़कर के फिर से गुलाम हो जाते एक दूसरे के, वो समस्या को हल करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। थोड़ा सा यहाँ इस विचार से भी हमें सोचना पड़ेगा। वो आपकी बात सही है, आजादी की लड़ाई के बारे में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आजादी की लड़ाई में भी 3 अलग प्रकार की धाराएं थी। एक धारा ये जो रियासतें हैं, ये रियासतें आजादी के संघर्ष का विरोध कर रही थी, ये
जो सांप्रदायिक ताकतें जो आज इस देश को बांट रही है, उस समय भी आरएसएस मौजूद थी, मुस्लिम लीग मौजूद थी। हाँ, ये ताकतें आजादी की लड़ाई का विरोध कर रही थी। हाँ, और एक तरफ वो धारा वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यहीं से संजय जी यहीं से सियासत शुरू होती है और फिर वो आगे तक जाकर विवाद में बदल जाती है। मैं फिर लौटूंगा, हमारे साथ गिरिराज शर्मा जी मौजूद है, एक प्रतिक्रिया उनकी भी ले ली जाए। मैं यहाँ पर लोग आज गिरिराज शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए हुआ, वो कार्यक्रम का बहिष्कार कांग्रेस क्यों कर रही है? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से अब कांग्रेस सहमत नहीं रही? आप वहां पहुंचते तो एकता का संदेश भी जाता एकता दिवस के मौके पर। हिंदुस्तान भारत देश के जितने महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा सम्मान रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, रही बात इस चीज की कि हमें आमंत्रण मिला या नहीं मिला, जैसा कि लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि साहब सबको आमंत्रण दिया गया, तो वो आमंत्रण शायद इन्हीं के पास आया होगा, जैसा कि संजय जी ने कहा कि पार्टियों को नहीं मिला है। ठीक है, और रही बात यह कि हम उस चीज का बहिष्कार नहीं करेंगे। सरदार पटेल जी ने इस देश को एक करने का जो काम किया था, उस कार्य के प्रति पूरा देश उनका कृतज्ञ है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनकी मूर्ति लगनी चाहिए थी, लगाई आपने, बहुत अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ। यहां पर सवाल यह है कि इस पर राजनीति कौन कर रहा है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बन रही है, इस बात का विज्ञापन कौन कर रहा है? इस चीज में कौन इस देश को बता रहा है? इस बात को बार बार में इतनी स्टैचूज बनी हुई है, आप भी जानते हैं त्रिपाठी जी, कि लेकिन कभी भी किसी पार्टी ने किसी मूर्ति को लगाने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं किया। हाँ, नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है आज नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिबेट विश्व में एकमात्र ऐसी घटना है। इतनी बड़ी मूर्ति पहले कभी नहीं लगी है, ये सिर्फ देश के लिए नहीं पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति के तौर पर है। इस वजह से हो सकता है इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। मैं फिर लौटूंगा शर्मा जी आपके पास, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया, एक छोटा सा एनालिसिस चाहूंगा। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि किसी भी काम के अंदर प्रचार प्रसार जो है वो प्रोपेगेंडा करने की आदत है। जब नोटबंदी की थी, जब रात को 8 बजे इन्होंने नोटबंदी की थी, और नोटबंदी जो इन्होंने काम किया, क्या वो एक बीजेपी के प्रवक्ता जी त्रिपाठी जी, मेरी बात सुनिए। देखिए क्या होता है, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा शर्मा जी आपके पास, फिर आऊंगा, उस विषय पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रताप जी, एक बात, एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमने सबको निमंत्रण भेजा, सबको आना चाहिए था यहाँ पर, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के आइडियोलॉजी जो लोग रखते हैं वाकई में अगर उससे इत्तेफाक रखते हैं, तो एक बात ये। दूसरी बात ये, अभी बीएसपी की सुप्रीमो कहती हैं कि खर्चे को लेकर के वो सरकार को घेर रही हैं और कहती हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति उन्हें नहीं बनानी चाहिए थी, इतना खर्चा यहां पर हुआ, और खुद अपनी मूर्तियां, जबकि उन्होंने बहुत पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पार्कों में मायावती की मूर्ति, काशीराम जी की मूर्ति और हाथियों के बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने खुद ने बनवाई, उस पर उनको ज्यादा खर्चा नजर नहीं आया। यहां बीजेपी कर रही है तो इसलिए उन्हें ज्यादा खर्चा लग रहा है। प्रताप जी, एक बात ये कुल मिलाकर ये कि जो बीजेपी ने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास है, लोग हमेशा याद रखेंगे, इतिहास में ऐतिहासिक घटना है, लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, सीपीआईएम के लोग कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, मायावती को निमंत्रण मिला होता तो वो इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती, ये सब बातें कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि सियासत करने की कोशिश हो रही है, इसलिए सियासत हो रही है। क्या कहेंगे प्रताप जी? नहीं आशीष, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल झूठ है कि निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था और गुजरात सरकार ने आयोजित किया था, और ये बहुत पहले से ही इस बात की खबर थी कि तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम राजनीतिक नहीं, सामाजिक संगठनों को और समाज के प्रमुख लोगों को, सबको बुलाया गया है, क्योंकि ये बात बहुत लंबे समय से चल रही थी। अगर कोई आज की स्थिति में ये आके कोई कहता है कि नहीं मुझे निमंत्रण नहीं मिला, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये झूठी बात है। देखिए ये, लेकिन 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 सुनिए, थोड़ी भेजेंगे लेकिन लेकिन संजय माधव जी चाह रहे हैं कि यहाँ इनको अपने नेता से पूछना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे उनको मिला या नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं बता रहा हूं कि सरदार पटेल हम सबके थे। सरदार पटेल के इस जो एक ऐतिहासिक मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में जो उनकी जयंती पे किया जा रहा है, तो उसमें बुलाए या नहीं बुलाए, मेरा एक मानना है, हाँ। ये हमारी सरदार के प्रति श्रद्धा है कि अगर सरकार बुला रही है, नहीं बुला रही है, तो हमें सरदार के योगदान को देते हुए, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए हमें जाना चाहिए। और अगर मान लो नहीं भी जाते, तो कम से कम इसको विवाद
बना देना, इस पर विवाद कर देना। मेरी अभी जैसे आपने कहा कि बसपा उठा रही है इसके खर्चे पे, संजय माधव जी ने यहां तक कह दिया कि अखिल सरदार को ही क्यों सारा योगदान। देखिए मैं बता रहा हूं, संजय माधव जी आप बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल होंगे, लेकिन ये देश और दुनिया जानती है जो सरदार ने अपने ऊपर रिस्क लेकर जो इस देश के लिए किया है वो अद्वितीय है, वैसा नहीं कर पाते। क्योंकि हम जानते हैं कि केवल एक कश्मीर की रियासत के भारत में विलीनीकरण का जो मसला था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया गया, उसकी क्या स्थिति है, और 550 से अधिक रियासतें वो सारी की सारी। देखिए संजय माधव जी इसलिए सरदार के योगदान को, सरदार के योगदान पर कम से कम उनकी जयंती के दिन आप खुद ही कर रहे हैं, आप लगा देना गलत है। मेरा बीजेपी के दो व्यक्ति मेरा एक मानना है बिल्कुल सहमत आशीष, मेरा एक मानना है। देखिए आज जयंती है, सरदार पटेल के तमाम विषय को लेकर विवाद हो सकता है, महात्मा गांधी की जयंती होती है, हम महात्मा गांधी बीजेपी की श्रद्धांजलि बता रहे हैं, मान लो किसी महात्मा की जयंती होती है तो हम उनके प्रति श्रद्धांजलि कर। मेरा मानना है कि इस तरह के मुद्दों को बहुत ज्यादा विवाद नहीं बनाना चाहिए, और विवाद ये लेके कि सरदार अकेले को योगदान क्यों दिया जा रहा है। मेरा संजय माधव जी का ये कहना, संजय माधव जी का ये कहना कि सरदार को अकेले क्यों दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत है कि सरदार क्यों गलत है। आप बिल्कुल गलत है। ठीक है चलिए, मैं संजय माधव जी आपके पास फिर आऊंगा, चूंकि मैं संजय साहब आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया लक्ष्मीकांत जी देना चाह रहे थे उस वक्त गिरिराज शर्मा की बात पर, जब गिरिराज शर्मा बोल रहे थे उस वक्त लक्ष्मीकांत जी ने समय मांगा था। जी गिरिराज शर्मा जी का जवाब आप देना चाहें, लक्ष्मीकांत भाई बताएं। नहीं मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा, देखिए दोनों अपनी प्रकृति के अनुसार ही बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता को जो बोलना चाहिए वही बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्ति को जो बोलना चाहिए वही बोल रहे हैं। आपको मैं नहीं बोलने दूंगा, आप बोलोगे तो अरे आपकी प्रकृति है कि 10-15 के वार्ता के धंधे पर बैठ जाओ, आपकी प्रकृति है कि इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू को पूछो, देश के हर सुनो, इनके सहयोग से भुला दो, इनके सहयोग से भुला दो। आप इसलिए नहीं बोलने देना चाहते क्योंकि आपकी बहुत खुशी है। गिरिराज साहब सुनिए एक एक करके बोलिए, सुनिए गिरिराज साहब सुनिए, गिरिराज साहब ये अभद्रता नहीं, सुनिए सदन मत बनाइए, सुनिए गिरिराज साहब सुनिए, गिरिराज साहब सुनिए वो लक्ष्मीकांत जी के हाथ में नहीं है, वो लक्ष्मीकांत जी के हाथ में नहीं है, आप उसे इतना निजी तौर पर मत लें प्लीज। सुनिए लक्ष्मीकांत जी प्रतिक्रिया जी, इनका ये कहना है ये बोलने नहीं देंगे। नहीं नहीं गिरिराज साहब आप उसे अदरवाइज मत लें, आप उसे अदरवाइज मत लें, इसमें नहीं बोला। सुनिए ये इतनी देर झूठ बोल रहे थे, सुनिए आप सुनिए, लक्ष्मीकांत जी को बोलने नहीं दिया, आपके पास ये इनके हाथ में नहीं है, आप सुनिए, आप ऐसे इतना निजी पार्टी के प्रवक्ता बना लें गिरिराज साहब, वो भी कह दिया, वो प्रोपेगेंडा कह दिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, अरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, अरे लिफाफे जैसे लौटाएंगे उसको, जो भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बैरन लिफाफे लौटाएंगे, बैरन लिफाफे की तरह। गिरिराज जी सुनिए, हम अमेठी जीत ले ना, राजस्थान बहुत दूर की बात है, लक्ष्मीकांत साहब ऐसा सुनिए, ये है ये दो पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये वही बोल रहे हैं जो इन्होंने शुरू में किया, इस देश के महापुरुषों को भुलाने के लिए इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से इनको पद्मश्री पद्म भूषण, इनको टेलीफिल्म के नाम के पैसा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों को कांग्रेस पार्टी के सरकारों ने दिया, और इसलिए दिया कि महापुरुषों को भुला दे, केवल नेहरू गांधी परिवार को पूजे, और ये इसका परिणाम दिखता है कि जब कांग्रेस पार्टी पर हमला होता है, देश की जनता हमला करती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए विचारक पद्मश्री पद्म भूषण लौटाते हैं, ये इसी बात का उदाहरण है। और देखिए दूसरी बात और कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को इस देश में लेनिन की मूर्ति बर्दाश्त है, कार्ल मार्क्स की मूर्ति बर्दाश्त है, लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति बर्दाश्त नहीं, क्योंकि इनका काम है देश तोड़ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के करने वाले ये, और इनका सहयोग करने वाले ये। ये अगर सरदार पटेल को पढ़ाते तो राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वालों का सहयोग करता।
राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अर्बन नक्सलियों के समर्थन में जाता, राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आतंकवादियों की पैरवी करता। ये कम्युनिस्ट पार्टी के गद्दार लोग जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, वो लोग कांग्रेस पार्टी के सहयोग से यहाँ पर बिलों में छुपे बैठे थे। सरकार ने पने डाल डाल कर बाहर निकाला इनको। ये सरदार पटेल के प्रोपगंडा कहती है कांग्रेस, ठीक है, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। मैं फिर आऊंगा इस विषय पर, लक्ष्मीकांत साहब मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं संजय जी और गिरिराज जी की भी प्रतिक्रिया लूंगा। प्रताप जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद हेडलाइंस पर नजर डालकर जल्द लौटते और चर्चा को जारी रखेंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे, और बहुत कम समय रह गया इसलिए मैं चाहूंगा कि चर्चा को ज्यादा और लंबा न खींचते हुए जल्द से जल्द फाइनल कमेंट्स भी ले लिए जाएंगे। और इससे पहले प्रताप जी की छोटी सी एनालिसिस मैं चाहूंगा प्रताप जी आपसे, कि ये जो क्योंकि जहां चार नेता इकट्ठे होते हैं, पुरानी कहावत है कि चार बर्तन जहां रहते हैं वो खड़कते ही हैं, तो ऐसी स्थिति कुछ यहां नजर आ रही कि जहां चार नेता इकट्ठे होते हैं वहां सियासत शुरू हो ही जाती है, अब चाहे बात सरदार पटेल की ही क्यों ना हो रही हो। क्या कहेंगे प्रताप जी? हाँ आशीष, यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया में सबसे बड़ी है उसके एक लोकार्पण के बाद हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि यूनिटी यहाँ भी दिखाई देनी चाहिए थी, कम से कम सरदार पटेल के जो उन्होंने किया इस देश के लिए उसको लेकर हमें एक यूनिटी दिखाई देनी चाहिए थी और उनके प्रति श्रद्धांजलि हमको देनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि देश में एक संदेश भी जाता है। देखिए, देश आज हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक ट्रांजिशन पीरियड है, देश में एकता की बहुत जरूरत है, संगठन की बहुत जरूरत है। सरदार की ये मूर्ति के साथ ही देश में एक मैसेज जाता, पूरे देश में जाता कि किस तरह से 550 से अधिक रियासतों को एक किया गया, इसलिए आपको अलग नहीं होना है, आप सब एक हैं। सरदार ने किस भावना के साथ एक किया। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति, देखिए जिस मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, सियासत किसी को एक नहीं होने देती। सब अपनी अपनी पार्टी की पूछड़ी को पकड़कर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। उसमें सरदार पटेल हो चाहे कोई और, महात्मा गांधी हो चाहे कितने भी बड़े और हो, वो शायद इस देश की एकता के लिए सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कम से कम अब हम इस कार्यक्रम के अंत के उसमें हैं, कम से कम यहां से लास्ट में तो ये आवाज जाए, किसी बातों को लेकर होगा मतभेद लेकिन फिर भी हैं हम एक, और सरदार के इस काम को हम एक कम से कम उसके प्रति श्रद्धांजलि करते हुए हम देश को संदेश दें। नहीं, विचारों में मतभेद है लेकिन फिर भी हम एक हैं, ये बात जानी चाहिए यहां से। बिल्कुल, और ये मैं गिरिराज शर्मा जी से फाइनल कमेंट्स के लिए अब शुरुआत करूंगा। गिरिराज शर्मा जी क्या कहेंगे, कांग्रेस में इतने बड़े बड़े नेता हुए, चाहे भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब हों या फिर महात्मा गांधी, उसके बाद और भी बहुत सारे बड़े नाम ऐसे थे जिनको लिया जाए तो बहुत समय लगेगा। देश की आजादी के लिए वे लड़े, फिर सक्रिय राजनीति में भी कुछ समय रहे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक एक उनकी फला नेता की आइडियोलॉजी को हमने अपना लिया, फला नेता की आइडियोलॉजी को आपने ठुकरा दिया, ये इस तरह की बातें क्यों उठती हैं? जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया, उसकी एकता के लिए काम किया, उन नेताओं को लेकर के राजनीतिक दलों की भले विचारधाराएं अलग हो लेकिन देश के लिए तो विचारधारा एक ही होनी चाहिए ना, देशभक्ति तो एक ही होनी चाहिए। देखिए आशीष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं प्रताप जी की बात से भी बहुत सहमत हूं कि हम कार्यक्रम की अंतिम चर्चा के अंदर हैं। इस चर्चा के अंदर हम इस बात की बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो इस भारत देश के लिए जो योगदान दिया था, रियासतों को एक करके पूरे देश को संगठित करने का जो काम किया था वो काबिले तारीफ है, उसका देश ऋणी है उनका। आज अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सरदार पटेल जी की उन्होंने लगाई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से मैं आपको कहता हूं इस बात को, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। देश के महापुरुषों की मूर्तियां लगानी चाहिए, आपने लगाई है, बहुत अच्छी बात है। इस पर किसी प्रकार का विवाद कांग्रेस की तरफ से नहीं, हाँ। इसको विवाद बनाइए भी मत, देश के अंदर शांति और भाईचारे का पैगाम जाने दीजिए, बस मैं अपनी बात यही कहना चाहूंगा। चलिए, नहीं आपने शुरू में जिक्र किया था ना प्रोपेगेंडे का, तो इस वजह से लगा कि संभवतः आप इस बात से सहमत नहीं है। ठीक है, मैं संजय जी से भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा। देखिए मैं आपको बात करूं, फिर हम विवाद पे आएंगे। नहीं ठीक है, मैं इसीलिए मैं इसे खत्म कर देते हैं, इसे हम आगे चर्चा, और ज्यादा समय भी नहीं है। संजय जी क्या कहना चाहेंगे जिस बात को लेकर आपने जिक्र किया था
अब सरदार पटेल जिन्होंने एक अमूल्य योगदान देश को एक करने के लिए संगठित करने के लिए दिया, संभवतः आज के समय में एक राज्य को पूरी तरह से भारत में मिलाना, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मिलाना बहुत मुश्किल काम है, और समय 550 से ज्यादा रियासतों को एक करना एक बहुत बड़ा योगदान देश के लिए रहा, जिसकी वजह से संभवतः आज हम और आप यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं। हम दिल्ली में हैं और आप वहां राजस्थान में हैं, यहां सब कुछ एक जैसा है, एक देश की भावना महसूस होती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन जाती है और ये सब बातें सोचकर ये लगता है कि ये वाकई अमूल्य योगदान है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इससे आपकी बात से सहमत हूं और इसमें कोई सरदार पटेल के योगदान को या बाकी नेताओं के योगदान को किसी ने कमतर करके नहीं आका है, ना कोई की विवाद मेरे ख्याल से यहां पर है। ये बात सही है, ये जो विवाद शुरू हुआ है, विवाद ये इसको शुरू करने के लिए जिम्मेवार भी भाजपा और आरएसएस ही है, उनको खुद उन्होंने इसको विवादास्पद बनाने के लिए, बाकी किसी मूर्ति का कोई विरोध किसी ने नहीं किया। सरकार ने गुजरात सरकार के समय मोदी जी का मूर्ति लगाई जाएगी, लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में बहुत सारे महान व्यक्तियों की मूर्तियां हैं। हमारा तो निवेदन सिर्फ ये है कि सिर्फ मूर्तियां नहीं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करने का काम किया, इस तरह से अभी जो लोग देश की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, उस बांटने को बंद करके और वास्तव में उनकी जो विचारधारा उस पर चल रही, महात्मा गांधी की विचारधारा हो चाहे पटेल साहब की विचारधारा हो, उस विचारधारा पर काम करें। ठीक है, विचारधारा पर भी काम करना बहुत जरूरी है। लक्ष्मीकांत जी, फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? जो जिस तरह से प्रोपेगेंडा करने की बातें सामने आ रही हैं और एकता का संदेश देने का जो प्रयास आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को, विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आने वाले समय में लंबे समय तक ये लोगों के दिलो दिमाग पर स्मरण रहे, इसके लिए ये कार्यक्रम किए गए। इसके बावजूद राजनीतिक दलों को एकत्रित करने में या एकजुट करने में कामयाब नहीं हो पाई बीजेपी और ना ही सरदार पटेल की विचारधारा। देखिए, हमने तो बुलाया था, ये नहीं आए, इनकी मर्जी है, लेकिन आप देखिए कि इस देश में, देश के इतिहास में हर उस व्यक्ति का योगदान है जिसने बहुत, जिसकी क्रेडिबिलिटी है इस देश के हिस्ट्री में, चाहे वो मदन मोहन मालविया जी हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, लेकिन अगर उनको किसी सरकार ने सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार है, तो जो सरकार बदलेगी, जो समझेगी, वो तो देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 तक भारत रत्न का इंतजार करना पड़ा, पंडित मदन मोहन मालवीय को 2015 तक भारत रत्न का इंतजार करना पड़ा, सरदार पटेल को आज इस तरह इस स्थिति में आने के लिए इतने साल का इंतजार करना पड़ा, इसको देश देख रहा है। देखिए, ये मतभेद हम नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट होता है। आज भी आप देखेंगे कि आज स्वर्गीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि है। आज आप देश के अखबार देखेंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के एड हैं, बड़े बड़े एड हैं, और सरदार पटेल जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके लिए एक लाइन का एड भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। हाँ। तो ये महापुरुषों में विभाजन कौन कर रहा है? समय की थोड़ी कमी है, मैं माफी के साथ अपने मेहमानों को रोकना चाहूंगा, चूंकि समय की कमी मुझे ये इजाजत नहीं देती कि हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गिरिराज शर्मा जी आपका, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आपका, प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।